वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं मटन आलू कोफ्ता। ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है और बनाने में बहुत आसान है। उस बनाने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर लो। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मटन लिया है, उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है और बाकी के सामान हम इसमें ऐड करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच इसमें ऐड किया मैंने। ये प्याज का पेस्ट है वो 1 चम्मच इसमें ऐड किया। ये हरी मिर्च है 1 चम्मच। ये कटे हुए हरा धनिया वो मैंने ऐड कर लिया। सूखे मसाले इसमें हम ऐड करेंगे। ये नमक है, ये पिंक सॉल्ट है इसीलिए आपको वाइट नहीं दिख रहा है, वो ऐड कर लिया मैंने। ये मीट मसाला मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया, वो धनिया पाउडर। ये गरम मसाला 1/2 चम्मच ऐड किया मैंने और हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया। फिर हाथ से ही हम इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे तब ये मिक्स होगा। देखिए मैंने सबको मिक्स कर लिया। अब इसके हम बॉल बना लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बॉल बना सकते हैं, पर थोड़ा बड़ा ही बनाइएगा क्योंकि ये पानी रिलीज करने के बाद से एकदम छोटी हो जाएंगे। इस तरीके से बॉल बना ले। मैंने सब कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। चलिए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 स्पून ऑयल लिया है। यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ की हूँ, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये मेथी दाना है, 1/2 चम्मच मेथी दाना इसमें मैंने ऐड किया। इसको थोड़ा चटकने देंगे, तब तक हम अपने मसाले निकाल ले रहे हैं। ये 2 बड़े साइज का प्याज का पेस्ट में है, उसको मैंने पीस लिया है। उसमें कुछ सूखे मसाले हम लोग अपना ऐड करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के डालिए, कम मत डालिए, टेस्ट अच्छा आएगा। ये नमक है, फिर से मैं बता रही हूँ, पिंक सॉल्ट है। ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, ये काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, ये धनिया पाउडर 1/2 चम्मच। मैं 1/2 चम्मच ही यूज़ की हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारे मसालों को मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा अच्छे से इसे चला लेंगे हम लोग। इसे हमें ज़्यादा नहीं, ये नहीं है कि ज़्यादा एकदम भूनना है। 1 कटे हुए टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। ये रेड चिल्ली पाउडर मैंने ऐड किया इसमें 1 चम्मच, क्योंकि बाद में मैं इसमें कश्मीरी मिर्च भी ऐड करूँगी इसीलिए मैंने मिर्ची कम ऐड की है। आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड करिए। ऐसे तो कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए हम लोग डालते हैं। ये देखिए ऑयल रिलीज हो चुका है, टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। थोड़ा सा हम इसे मैश कर देंगे। हम अपने कोफ्ते अब इसमें ऐड करेंगे। सारे कोफ्ते ऐड कर लिए हैं और इसको इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है, ना इसे हमें चलाना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और इसे हमें ढक के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, जिससे कोफ्ते थोड़ा हार्ड हो जाए और थोड़ा पक जाए। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए ये 1/2 पक चुके हैं और थोड़ा सा पानी भी इसमें से छूट चुका है। चलिए हम आस्ते आस्ते इसको पलट ले, बिल्कुल हल्के हाथों से पलटिए। ऐसे ही 1/2 पक चुका है, अब ये टूटेगा नहीं, इसीलिए शुरू में ही पानी ऐड ना करें, ये अपने ही पानी से ये पक जाएगा। इस तरीके से सारे कोफ्तों को मैंने पलट लिया है।
और थोड़ा चला लेंगे। देखिए एक भी कोफ्ता हमारा टूट नहीं रहा है, बहुत अच्छे एकदम अच्छे लग रहे हैं। आप ऐसे ही इसको रख सकते हैं, पर इसमें मैं थोड़ा आलू ऐड करूँगी क्योंकि आलू के साथ ये अच्छे लगते हैं। ये चार बड़े साइज़ के आलू हैं वो मैं ऐड करूँगी। आप चाहे तो वैसे ही सूखा भी बना के खा सकते हैं। सबको अच्छे से चला लेंगे। आप चाहे तो ग्रेवी वाला बनाइए या एकदम सूखा बनाइए सिर्फ कोफ्ते और मसाले के साथ। 10 मिनट के मैंने इसे आलू लगा के पका लिया था कि मसाला आलू सब अच्छे से भून जाए। और देखिए कितना इसने अपना तेल छोड़ दिया है और सब अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 कप पानी ऐड करूँगी। 1 कप पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया। इस स्टेज में आप नमक टेस्ट कर लें, कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च, कुछ भी आप बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया कलर के लिए। पर ये तीखी नहीं होती है, पर इससे अच्छा सा कलर आएगा और हमारे कोफ्ते देखने में अच्छे लगेंगे। कुछ कटे हुए हरे धनिया यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे ढक के, जब तक हमारे आलू सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। 10 से 15 मिनट बाद हमारे कोफ्ते आलू तैयार हैं और ये बहुत टेस्टी बने हैं। आप भी ज़रूर बनाइए, अपने फैमिली को खिलाइए। और एक भी कोफ्ते हमारे टूटे नहीं हैं। देखिए ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।